हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली अच्छे होंगे। 2 दिन मैं आपकी क्लास नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैंने नहीं करने की हिम्मत ही हुई। अभी मैं आपके लिए यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग क्लास कर रही हूँ, और मैं आप सभी से चाहूंगी कि क्लास को पूरी देखिएगा। और ये पवन की सीरीज है, जो मैंने एक बार आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन करवाए थे, दोबारा मैं आपके सामने आपकी चीजें फिर से करवा रही हूँ। तो क्वेश्चंस के फॉर्म में जरूर देखने की कोशिश करिएगा, जो कि आपके मैथ के हैं। तो आई होप सो कि ये सुबह की जो क्लास है आपकी मैथ की है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी चीजें बेस्ट से बेस्ट उतनी करने की कोशिश मेरी ओर से जरूर की जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। जल्दी से क्लास को ज्वाइन करिए, बज रहे हैं सुबह के 9, और हम यहाँ पर मिलकर एक बहुत ही अच्छी सी क्लास करने वाले हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। पवन सीरीज ये आपकी 2024 की जो मार्केट में न्यू अवेलेबल है, वो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ। तो तैयार हैं आज के मैथ के क्वेश्चन को करने के लिए? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और हमारे करने की शुरुआत 2023 से लेके अंत तक होगी, जितना आपके क्वेश्चन आपकी सीरीज में दिए होंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं और देखते हैं पवन की सीरीज में किस प्रकार के प्रश्न आपके बीते वर्षों में आपसे पूछे जा चुके हैं। पूरी वीडियो इन तक देखेगा, जहां प्रॉब्लम होगी पूछने की कोशिश जरूर करिएगा। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपके पेपर में कह सकते हैं कि क्वेश्चन इसी लेवल के पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी इसी तरीके से अच्छे प्रश्न आए। 2023 में ये वर्ष में पूछा गया है, पेपर में क्वेश्चन आया था, इक्वेशन से संबंधित यह प्रश्न है। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3x = 4.5 और 4x + y = 14 के हल में आपको सॉल्व करेंगे तो इनका मान क्या आएगा, यानी कि इनकी वैल्यू क्या आएगी। आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया, एक इक्वेशन दिया गया, और आपको उसमें कुछ चीजें इस तरीके से टर्म्स में दी गई, इनकी आपको वैल्यू फाइंड करके बताएंगे। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर, ऑप्शन आ में दिया है 6, बा में दिया है, बी में दिया है 4, सी में दिया है 2, और डी में दिया है आपके 8। आपके 4 ऑप्शन है। मैं चाहती हूँ कि आप भी स्क्रीन पर जरूर लगाएं। इसी तरह के संबंधित प्रश्न आपको इस तरीके से देख के एक दो प्रश्नों को और लगाना है, ताकि चीजें आपकी बेहतर बेहतरीन हो और आप इन पे प्रयास जरूर कर पाए। तो तैयार है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि आपके प्रश्न आपके 2023 में, आपको पता है कि 5 क्वेश्चन होंगे, तो ये 5 आज आपके फिक्स होने चाहिए कि अब यह पेपर में अगर आपको देखने को मिलता है तो आपकी कोई गलतियां होंगी ही नहीं, और आप इन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए भाई, मैं इसे सॉल्व करती हूँ, आप भी सॉल्व करिएगा, और मैं चाहती हूँ कि सभी इस प्रश्न को जरूर लगाएं। जितने भी फ्रेंड्स लेट क्लास को ज्वाइन करते हैं, कोशिश करिए सुबह 9 बजे मेरे साथ मिलिए, और बहुत अच्छे प्रश्नों को हम जरूर मिलकर लगाएंगे। इक्वेशन जो दिया है पहले मुझे पिकअप करेंगे, तो हमें दिया है 3x = 4.5, राइट? सबसे पहले हम इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.5/3, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है। इज इक्वल टू की कोई संख्या जब इधर जाती है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है, यहाँ पे गुणे में था, अब यहाँ पे जाएगा तो भाग में। अगर यहाँ भाग में होता और इधर जाता तो यह चीज हमारी गुणे में बदल जाएगी, यानी कि इज इक्वल टू की उस लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट आएगा, तो जो उसके साथ चिन्ह लगा होगा वह चिन्ह परिवर्तित होगा। यह बेसिक से जानकारी आपको पता होगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप सभी को 4.5 में 3 से भाग करना जरूर आता होगा, मैं समझती हूँ इस बात को। तो आप इसको लिख सकते हैं 1.5, क्या होगा 1.5, x की वैल्यू आपने निकाल ली एंड 1.5। अब इस इक्वेशन में ले जाकर x का मान रख दीजिए। दिया है हमें 4 × x, ठीक है, 4 × x + y = 14। हम इसको लिख सकते हैं 4 × 1.5 + y = 14, क्या कोई समस्या किसी को भी है? नहीं। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 × 4, तो ये आएगा 6 + y = 14। y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे 14 उधर प्लस में है, 6 को उठाइए आप उधर लेके जाएंगे, 6 माइनस हो जाएगा, यानी कि 14 - 6, y का मान क्या आएगा, 8 आएगा। और आपका जो प्रश्न पूछा गया था आपसे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे 8 है। आपसे y का मान पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा था, यहाँ पे क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हल में y का मान क्या होगा, ठीक है, हल में y का मान क्या होगा, y की वैल्यू। तो आपको एक प्रश्न मैंने यहाँ बता दिया। आइए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा, आपको एक घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपके सिलेबस में दिया गया है, इनसे बहुत बेहतरीन प्रश्न आपको देखने को मिलेगा।
ये क्यूब रूट का सवाल है, क्योंकि घन लिखा है तो घन का मतलब इंग्लिश में क्यूब रूट होता है। आपको इस मान की वैल्यू फाइंड करनी, ये भी आपके पिछले वर्ष 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो मैं चाहूंगी कि आपके ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं, 0.081, 0.008, 0.003, इनमें से कोई नहीं। चार प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, चार प्रश्न इनके ऑप्शंस दिख रहे हैं। जरा लगाने की कोशिश करिए कि क्या सही होगा। तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में क्या मतलब समझते हैं आप, वो बताइए। क्यूब रूट का मतलब है कि भाई कोई तीन चीज है, मतलब क्या है, थ्री थ्री पेयर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही, थ्री थ्री पेयर्स की। स्क्वायर रूट का मतलब है कि टू पेयर्स की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, टू पेयर्स की, राइट। तो थ्री पेयर्स और टू पेयर्स को आपको समझना है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि घनमूल के जो उत्तर निकलते आते हैं, तो आप गुणा करते हो तो वह संख्या भी उतनी ही प्राप्त होनी चाहिए, होनी चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो दिया है 0.00081, ठीक है। हमें क्या निकालना है, घनमूल। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्यूब रूट के फॉर्म में। अब हम तीन तीन का पेयर बनाएंगे, तो तीन का पेयर इधर बना, तीन का पेयर इधर बना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन बार गुणा करने पर, तीन बार मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती, वही संख्या प्राप्त होती है, तो उसी को हम घनमूल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो आंसर मिलना चाहिए वो तीन तीन के पेयर में ही हमें मिलना चाहिए। हमें जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वह संख्या तीन तीन के पेयर में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके कितने पेयर्स बन रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके जो आंसर निकल रहे हैं ये तीन पेयर, यहाँ पे आपका ये तीन है, सिर्फ तीन आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपका ये तीन पेयर, ये तीन पेयर, देन आपका ये तीन है, फिर एक रह गया, फिर आपका ये तीन है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप तीन बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो करने पर आपको वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें ऐसी कोई भी संख्या प्राप्त बिल्कुल भी नहीं हो रही क्यूब रूट करने में, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही होगा। तो एक क्वेश्चन ये ध्यान रखिए कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को भी आपको पढ़ के जाना है कि भाई इन पे हमको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इसी तरीके से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और तीसरा सवाल लगाते हैं। देखिए, मैंने कहा है कि पीएनपी हमेशा पेपर मॉडरेट बनाती है, टफ भी बनाएगी और इजी भी बनाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैथ में प्रॉब्लम होती है, तो पासिंग के लिए भी उसमें इजी क्वेश्चंस को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है कि भाई बच्चे लगा लें। आपको बहुलक निकालना है कि देखिए, 12 13 14 14 10 12 14 18 14 20 12 13 में आपको बहुलक फाइंड करना है। 30 का प्रश्न है, सॉरी 23 का ही क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप्शंस दिया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बहुलक वो होता है जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, एक ऐसी संख्या जो आपको बार बार देखने को मिलती है और बार 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 रिपीट होती है। तो देखो 12 यहाँ पे है, 12 12 और बस 3 बार, ज्यादा बार क्या है, 13 13 दो बार है, 14 यहाँ पे दो बार है, फिर एक बार ये है, फिर एक बार ये है, 10 एक बार, 18 आपको पता राइट आंसर यहाँ पे 14 होगा, कि ये 4 टाइम है और यही 4 14 संख्या ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो तीसरे में आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक नंबर आपको बढ़िया सा मिल गया। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित का मान क्या होगा, निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन कुछ चीजें होती हैं जो टाइपिंग मिस्टेक में हो जाती है, 23 का प्रश्न है और जिसका मान फाइंड करना है, वो आंसर ये है, क्वेश्चन ये है, √2 + 1/√2 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट ओपन, √2 - 1/√2, सॉल्व करिए। ऑप्शन दिया है एक, ऑप्शन बी दिया 1/2, ऑप्शन सी दिया 3/2, ऑप्शन डी दिया है -1। ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सवाल है, मतलब रूट के फॉर्म में है, लेकिन है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो कि डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अब तक आपको इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं चाहती हूँ आप में से जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लास को यहाँ पे देख रहे हैं, आपके कहने के अकॉर्डिंग इंग्लिश मैथ प्रॉपर चल रही है, मैथ की है, जितने आपके प्रीवियस ईयर्स इस तरीके से हैं वो मैं लगातार आपके करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब शुरुआत हुई है तो चीजें बेहतरीन होंगी, आप भी इसको सॉल्व करिए। आपको पता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने एक क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ रखा है, a² - b² = a - b, ब्रैकेट में a + b। क्या कोई संदेह है आपको, कोई भी प्रॉब्लम है इस सूत्र में, होनी ही नहीं चाहिए। तो ये जो जोड़ा हमें देके रखा है, क्या इस जोड़े से मैच नहीं करता, बताइए जनाब जी, बताइए। बिल्कुल करता है, ध्यान से देखिएगा एकदम। अब हम जो जो मान कहा गया वो रखेंगे, a को हमने √2 की संज्ञा दे दी, b को हमने 1/√2 की संज्ञा दे दी, जो जैसे मान है वहीं पे पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है, √2² कर दीजिए, जैसे इस तरीके से दिया गया है, ठीक, ध्यान से। उसके बाद आप क्या करेंगे,
बी की भी सेम वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/√2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब आप क्या करेंगे, हम मानते हैं स्क्वायर के फॉर्म में दिया था तो हमें रूट हटाने में वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर 2 लिखा है तो स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर है, क्या होगा 2 आएगा। 1/√2 को करेंगे तो 1/2 आएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 3/2 आएगा। क्या आएगा, 3/2। तो आपको ये जो इक्वेशन यहाँ पर दिया गया था इसका जो आंसर निकला वो 3/2 निकला। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम, फ्रेंड्स की एनी वन एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यह वीडियो आप दोबारा देखिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि लगाइए प्रॉपर, सुबह की क्लास है प्रॉपर तरीके से, मतलब जितना बेहतरीन हो सके उतना मैं आपको करवा रही हूँ। अच्छा प्रश्न है, चौथे क्वेश्चन का आया, एमसीक्यू में आया है तो सॉल्व करना होगा और लगाना होगा। चलिए मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का भी सवाल है जो कि इजी है, अगर सूत्र पे ही क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत अच्छा है। 2023 पिछले वर्षों में पूछा गया है प्रश्न है, कह रहा है sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60 माइनस sin 30 का मान। यह प्रश्न कुछ इस तरीके से लिखा, मैं एक बार आपको लिख देती हूँ ताकि आपको समस्याएं कम हो। sin 60 और cos 30 माइनस sin 30, ये वैल्यू थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के वो जो चार टेबल होते हैं जरा उन्हें थोड़ा सा रिकॉल करिए, वो आपके लिए बेनिफिट होगा और आपके लिए अच्छा होगा अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो। जरा बताने की कोशिश करिए कि राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन तो आपके सामने स्क्रीन पर चार दिए हैं, बगल में आपने लेफ्ट हैंड में देखिए स्क्रीन पर सब कुछ विजिबल है, बताइए क्या करेंगे। चलिए अब जैसे ऐसे प्रश्न अगर आ रहे हैं, सपोज कर लीजिए भाई कि आपको ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं तो कुछ चीजों के सूत्र हैं, साइन 60 और कहते हैं कि कॉस, मतलब फॉर्मूला है, कहते हैं कि cos 30 का मान समान होता है, होता है कहिए, हाँ होता है मैम बिल्कुल। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, सही हूँ मैं, मुझे तो ये लग रहा है भाई यही है। अगर मैं कहीं गलत होंगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बताइए भाई मैं यहाँ पे गलत है। तो ये sin 60 और cos 30 का मान समान होता है, √3/2, √3/2। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/3। ये से ये सेम हो गया, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा, एक लिख दो, माइनस 1/3 लिख दो, ठीक है 1/3 लिख दो। अब क्या करोगे, 1 बाय सॉरी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका कौन सा यहाँ पर दिया है 1/ ये 3/2 होगा। आपने इसको सॉल्व कर दिया, आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, 1/2 निकल के आएगा, आएगा कि नहीं बताइए, कहिए हाँ आएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1/2, ठीक है। तो 23 का 5 प्रश्न आपका हो गया समाप्त, मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, स्क्रीन पर हो रहे हैं क्वेश्चन, फटाफट देखिए। आपको रूट के सवाल फिर दिए गए थे 2022 के पेपर में और यह रूट का प्रश्न कुछ इस तरीके से है, क्यूब रूट में ही सवाल है, 343/1000 का आपको मान बताना है, वैल्यू फाइंड करनी है, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, बताइए यहाँ पे सिक्स्थ का राइट आंसर क्या होगा। 2022 का प्रश्न है और क्या यहाँ पर है जो सही होगा, थ्री बताइए, 343। देखिए क्यूब रूट के सवाल हैं, बहुत टफ तो नहीं है लेकिन लगाएंगे तो आएगा। जब भी कभी क्यूब रूट के सवाल दिया हो तो थोड़ा सा कोशिश करें कि उसको फैक्टराइजेशन मेथड से मल्टीपल फैक्टर्स में तोड़ने की कोशिश करिए, कि अगर बड़ी संख्या दी गई तो उसको छोटा बनाइए, छोटा बनाएंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। जैसे मैं आपको बताऊं तो क्या हम 343 को 7 × 7 × 7 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 1000 को 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, कहिए हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हमने आपको पहले बताया कि जब भी कभी रूट किसी का निकालना और रूट निकल रहा है, क्यूब रूट स्क्वायर वही संख्या सेम मिलती है, रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 7/10 आएगा, और 7 में 10 से भाग करोगे तो 0.7 आएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब 2022 का भी एक नंबर आपको बड़ी आसानी से मिल गया, रूट पे ही सवाल था। देखने में सवाल टफ लगता है, बड़ा बम लगता है लेकिन धमाका बड़ा छोटा होता है, तो इस तरीके से यह प्रश्न था तो मैंने आपको लगवा दिया। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइए, कह रहा है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। 22 का प्रश्न है, अगर आप 3 कॉइन लिए हैं, 3 कॉइन को आप एक साथ टॉस कर रहे उछाल रहे हैं तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बार आने की होगी, 3 बार, 4 बार, 8 बार, और एक ऑप्शन आपको और दिया गया होगा जो कि यहाँ पे क्या दिया है मैं देखती हूँ, 9 बार, बताइए।
तीन कॉइन को आपको एक साथ उछालना है, टॉस करना है, तो रिजल्ट कितनी बार आने की संभावनाएं होंगी? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए फिलहाल इससे प्रश्न आपके 23 में नहीं पूछा गया था, तो यहाँ पर आपके 22 में पूछा गया है। चलिए देखिए करेंगे कैसे। तो पता है कि जब आप दो सिक्कों को उछाल रहे तो प्रोबेबिलिटी हमारी चार आती है, ठीक है? क्या आती है? चार आने की संभावनाएं रहती है, और एक सिक्का उछलेगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है? दो बार जब आप उछाल रहे हैं तो अब आपको देखना है कि हम तीन को उछाल रहे हैं, तो तीन को उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारी आठ बनेगी। कैसे बनेगी और क्या क्या बनेगी, देखिए। एक अब आपका हेड 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 बन जाएगा, या हेड हेड टेल कह लीजिए। एक आपका टेल टेल हेड बन जाएगा, एक आपका हेड टेल हेड बन जाएगा, एक आपका टेल हेड हेड बन जाएगा, ठीक है? एक आपका हेड 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 बन जाएगा, टेल 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 बन जाएगा, और टेल फिर हेड फिर टेल बन जाएगा, और क्या बच रहा है यहाँ पे, देखिए क्या लेफ्ट हो रहा है। एक यहाँ पे आपका बन जाएगा हेड टेल टेल, हो गई आठ प्रोबेबिलिटी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, आठ प्रोबेबिलिटी है। आपने तीन कॉइन को टॉस किया तो जो प्रोबेबिलिटी बनी वो आठ आई है, ठीक है? इसीलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, फटाफट आगे बढ़ते हैं, लगाइए सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर आठवां स्क्रीन पर है। नेक्स्ट है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना, जो कि 2023 का प्रश्न है। 23 का नहीं, 22 का होगा, वो नंबरिंग जो है वो गलत हो चुकी है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। 22 का पेपर का ही है, आप देख सकते हो। आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर के एक रेडियस के, रेडियस दिया है उसका, सेमी सर्किल का एरिया आपको बताना है। तो 1925 वर्ग सेंटीमीटर, 3350, 3650, 1950 वर्ग सेंटीमीटर, तो पता ही क्या होगा। आठवें को सॉल्व कैसे करेंगे? तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, एक सूत्र होता है सेमी सर्किल का, अर्धवृत्त, ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 πr², जहां तक मैं जानती हूँ, ठीक है? कहीं गड़बड़ी होगी तो जरूर करेक्ट करिएगा। 1/2 π की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, और रेडियस यहाँ पे 35 दी, सॉरी 3.5 दिया, ये 7.2 हो जाएगा, 7/2, 7/2 × 7/2, जो कट रहा हो काट दीजिए। 2 × 1 = 2, 2 × 11 = 22, 7 × 1 = 7, क्या बच रहा है, 11 × 7 यानी कि 77/4। अब आप इसको क्या करोगे, आप डिवाइड कर दो, तो लगभग डिवाइड करने पे आपको यहाँ पे क्या आएगा, आपको ये आएगा 19 दशमलव वर्ग सेंटीमीटर। आपके ऑप्शंस में दशमलव नहीं दिया है, ऑप्शंस भी गलत है। आप भी कह सकते हो कि आपके आठवें का ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है? समझ में आ रही है बातें, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, उम्मीद है कि बढ़िया होगा सॉल्व किया सभी ने। कोई दिक्कत अगर कहीं होती है तो मैं चाहूंगी कि आप अपने मधुर वाणी से बताएं कि मैम यह प्रॉब्लम यहाँ पे है, और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। क्लासेस को करिए जितना हो सके, मैं पूरी कोशिश में हूँ कि क्लासेस आपकी लगातार हूँ, वो चाहे जिस तरीके से हो, बट क्लास होनी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहे फेस से लूँ या कैसे भी करूँ, जैसे मेरी पॉसिबिलिटी होगी मैं करने की कोशिश जरूर करूंगी आपके सामने। इस तरीके से आपके साथ मेरा टारगेट है कि भाई क्लास होनी चाहिए, ठीक है, और बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, सॉलिड वे में। आइए अच्छा चलिए, बातें हो गई हैं, सॉल्व करिए। ये भी 22 का प्रश्न है, दिया है 10/60, ठीक है? कुछ प्रश्न इस तरीके से दिया है, 10/60 °/sec 90° का मान बताना है, की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये √3 है, इनफाइनाइट है, एक है और जीरो है, क्या आंसर आएगा, चलिए बताइए। ट्रिग्नोमेट्री का 22 में सवाल आपको आया है, और आप कह सकते हैं कि आपके 23 में भी आया था, ठीक है, जिसमें हमने sin 60 sin 30 वाला प्रश्न किया था। तो ये से क्योंकि सवाल अगर आपको आ रहे हैं तो बढ़िया एक आइडिया लग रहा है कि सवाल आएंगे। इसका भी सेम फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से। 10/60 का मान होता है √3, और sec 90 का मान इनफाइनाइट होता है। हम किसी से भी इनफाइनाइट डिवाइड करेंगे तो हमेशा जीरो आएगा, आपका राइट आंसर जीरो होगा। तो चार्ट की टेबल से ये चीज याद करिए। चलिए नेक्स्ट आइए, आपको माध्यिका बतानी है, 7, 6, 2, 5, 9 की माध्यिका बतानी है, 22 का प्रश्न है। क्या मध्य में है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो थोड़ा अरेंज करिए। 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, आपको माध्यिका बतानी है, मिड टर्म बताना है। ध्यान रखना ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमको सिर्फ मुंह जबानी होनी चाहिए, और आपको प्रॉपर कहीं बहुत हमें मैंने सॉल्व नहीं करना, लगाते जाना है, ठीक है?
जो प्रश्न आपको दिया गया है इसका माध्य आपका 6 होगा, ध्यान रखना। दो इधर है, दो इधर, आपका बीच में क्या है, 6 है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। छोटे सवालों पे टाइम नहीं वेस्ट करना, ये पासिंग के लिए दिए जाते हैं ताकि बच्चे पास हो जाएं। चलिए अब बात करते हैं एक नए साल के प्रश्नों की, 2021। आपको वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। आपको एक सवाल दिया गया है आपको कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या क्या और कितनी आएगी, ठीक है, क्या और कितनी आएगी, तो कैसे करेंगे, क्या होगा, कोई तरीका या कैसे लगाते हैं, जरा लगाइए। ऑप्शंस आपके सामने 2, 5, 4, 3 दिया है, तो मैं बताना चाहूंगी कि जब कभी आप ऐसे सवालों को लगाते हैं तो थोड़ा ध्यान ये रखिएगा, 21 का प्रश्न है और कैसे आप इनको करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से ये सॉल्व होगा, तो क्वेश्चन इस तरीके से तो करने में आसानी होगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सेट दिया गया है इस तरीके से यहाँ पे है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, आपको इस टर्म में दिया है तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आप जब ऐसे इस क्वेश्चन को वर्गमूल में, तो वर्गमूल का मतलब हम जानते हैं दो दो का जोड़ा बनेगा, क्या बनेगा, दो दो का जोड़ा बनेगा, यानी कि दो दो के पेयर बनेंगे, तो दो दो के पेयर बनाइए। दो दो के पेयर जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो दो के टर्म में आपको दो यहाँ बन रहा है, दो यहाँ बन रहा है, दो यहाँ, एक यहाँ पे बच जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जितने जोड़े होंगे, जितने पेयर होंगे, उतने ही वर्गमूल में अंक होंगे। बात को मेरे गौर करके सुनिएगा, जितने जोड़े होंगे उतना ही वर्गमूल में अंक होंगे। अगर कोई अंक बच जाता है तो हम उसको भी जोड़ लेते हैं, तो एक जोड़ा आपका ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये, तीन हो गया, और एक ये, इसको भी जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो कितने अंक होंगे वर्गमूल में, 4 होंगे। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है, आसानी होती है आपको सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आइए, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आपको देखने को फिर मिल गया। कह रहा है कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है तो दोनों सिक्कों के पट के ऊपर पड़ने की संभावना कितनी है। अगर आपने एक साथ एक बारी में दो कॉइन को उछाला, टॉस किया, तो पट आने की संभावना कितनी होगी। 21 के प्रश्न में भी प्रोबेबिलिटी का प्रश्न आपको आया, सिर्फ 23 में ही नहीं आया, लेकिन इस बार जरूर एक प्रश्न आएगा, मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको पक्का आएगा। तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, पेपर बढ़िया बनता है तो थोड़ा अच्छे से लगाइएगा। तो यहाँ पे क्या कैसे करेंगे बता सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है तो पट आने की जो संभावना है वो कितनी होगी। तो दो सिक्कों को उछालने पे हम जानते हैं कि 4 कंडीशन बनती है, देख लेते हैं पहले कंडीशन को। हेड हेड आता है, हेड टेल आता है, टेल हेड आता है और टेल टेल आता है। तो पट आने की संभावना कितनी बार में है, तो यहाँ पे कह सकते हैं एक बार में, तो 1/4 होगा, ठीक है, कितनी, 1/4। आपका पहला प्रश्न सही होगा, पहला मतलब ऑप्शन आपका इसका सही होगा। पट मतलब टेल होता है, ठीक है, चिट और पट होता है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, यदि लंबवृत्ति बेलन और लंबवृत्ति शंकु के, बेलन दिया है और शंकु कोण दिया है, के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो आयतन का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है, बताइए। 21 का यह प्रश्न है, यानी कि आपको मेंसुरेशन के उधर साइड के भी सेक्शंस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि इस तरीके का सवाल आपके एमसीक्यू में पूछा गया है 21 में, तो फिर आगे तो फिर चीजें बढ़ सकती है, लेवल इंक्रीज हो सकता है, बताइए कैसे लगाएंगे। चलिए इनका भी सूत्र है, मैं सॉल्व कर रही हूँ बराबर, आप जरूर ध्यान रखना। तो हमें एक सूत्र पता है, बेलन का आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन का सूत्र फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और लंबवृत्ति शंकु का क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र क्या है, लिखेंगे, ये सूत्र याद करना होगा। मैंने बहुत बार आपको मैथ के फॉर्मूले का सेट दे रखा है, तो शंकु के आयतन का सूत्र बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जो कट रहा है उसे काटिए, क्या क्या कट रहा है, एच एच कट गया, पाई पाई कट गया, आर आर कट गया, सब कट गया, सिर्फ क्या बचा 1/3, ऊपर बचा 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1/3, ठीक है, एक से एक कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 3। तो यहाँ पे आपको जो आयतन का रेशियो पूछ रहा है वो होगा 3। 13 का बी ऑप्शन सही है। किसी को कोई समस्या अगर होती है तो यह वीडियो फिर से रिपीट करके देखिए, आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। एक बार में चीजें नहीं आती हैं तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उन चीजों को दोबारा देखें, ठीक है फ्रेंड्स। मैथ की क्लास है, बी सीरियस, बिना किसी टॉपिक के, बिना किसी गपशप के हम सॉल्व करेंगे, बाकी और चीजें हम करते चलेंगे। उम्मीद है कम समय कम है, फटाफट पढ़िए और फटाफट चीजों को लगाइए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है,
ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल है और आपके एमसीक्यू में पूछा गया है। 2021 का प्रश्न है, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है आपसे? यहाँ पे ये स्क्वायर दिया है, मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान आपको बताएं, की वैल्यू आपको बतानी है। 1/2, 3/4, और ये आपका यहाँ पे है, आपके कह सकते हैं क्या है, 5/4 और 1/4। हमेशा सीरीज के सारे प्रश्न सही नहीं होते, तो मैं उस पर बहुत फोकस नहीं करूंगी और चाहूंगी कि आप भी ना करें, लेकिन लगाएं जरूर। आप जरा सॉल्व करिए, मेहनत थोड़ी सी करिए, कैसे करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल काफी अच्छा है और दो प्रश्न भी अगर इनके ऊपर आपके आ जाते हैं, सूत्र वाले आ जाते हैं, एकदम सटीक वैल्यू पहले से पता है, तब तो बढ़िया नंबर आप आ जाएंगे, बैक की संभावनाएं आपकी कम होंगी। तो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री दिया है, तो ये जी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, बैक लग गया है तो क्या करें। बहुत सारी चीजें सेमेस्टर बैक के लिए तो प्रॉब्लम हो गई, फिलहाल के लिए नहीं होना चाहिए, तो बहुत बुरा हुआ, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जिनका एक सब्जेक्ट में लगा है, वो और मेहनत करिए और पढ़ाई करिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। जितना आप बेहतर पढ़ाई करेंगे, आपकी चीजें दिन प्रतिदिन उतनी इम्प्रूव होंगी और आपका चीजें रिजल्ट निकलेगा। चलिए आगे बढ़िए, सॉल्व करिए दोस्तों जल्दी से। तो मैं आपको बताती हूँ, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, राइट? 1/√2 का होल स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 का होल स्क्वायर। जैसा दिया है वैसा रख दो। सॉल्व करेंगे, रूट हटेगा, स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा, 3/4 आएगा, 2 का स्क्वायर भी तो होगा। समझ में आ रही बातें? यहाँ पे √2 है इसलिए नहीं हुआ, वरना सोचेगा मैम इसका क्यों नहीं किया आपने। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, तो हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके 2/3/4 होगा, सॉल्व करेंगे तो 5/4 आएगा। जो ऑप्शन नहीं लिखा था सही थे, वही आंसर आया, 14 में सी, 14 में सी है। हम आगे बढ़े, चलिए आइए नेक्स्ट लगाइए। दिया है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या और के मध्य नहीं आती? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और के मध्य नहीं आती, पता है इसमें कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक में लिखती हूँ। ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे होगा 3/5 और 4/5 के बीच में कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जो नहीं आती? 7/10 नहीं आता, 19/30 नहीं आता, 2/3 नहीं आता, और लास्ट ऑप्शन है 16/30 नहीं आता। ठीक है, बताइए ऐसी कौन सी एक परिमेय संख्या है जो 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं आती? लगा सकते हैं, क्वेश्चन काफी अच्छा है, सिंपल है और इजी है। मैं चाहूंगी यह प्रश्न आप लोग लगाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। आप लोग के लिए होम टास्क है, होमवर्क है, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के नाम है। मैं चाहती हूँ कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स यह क्लास देख रहे हैं, आपकी रिकमेंडेशन है मैथ के साथ ज्यादा है, तो मैं मेहनत करके चीजें करवा रही हूँ, तो मुझे रिजल्ट भी चाहिए। ठीक है, मिलेगा ना? प्रॉमिस करिए कि आप कॉमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। अब चलिए, इतने प्रश्न तो मैंने आपको लगवा दिए आज की इस क्लास में, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यदि कॉस ए, ये 2020 का प्रश्न है, मतलब मैंने पिछले बीते वर्षों के 4 सालों के प्रश्न आज मैंने लिए और चारों साल को एक साथ करवाने की कोशिश में हूँ, ताकि आपको 20 से 21 क्वेश्चन जरूर हो जाए, 20 क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपके सेट कंप्लीट हो और जल्द से जल्द हम कर पाए। कह रहा है कि कॉस ए का मान अगर 0 है, ठीक है, तो कॉस ए बराबर 0 है तो ए का मान क्या होगा? 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। प्रश्न अच्छा है, पर लगाइए कैसे सॉल्व करेंगे। यदि कॉस ए बराबर 0 है तो ए का मान क्या होगा बताइए? कॉस ए, तो हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है, ठीक है, तो कॉस ए बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। कॉस ए बराबर 90 डिग्री, तो आप कह सकते हो आपका बी ऑप्शन सही होगा, 17 का बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लगाइए। बहुलक का एक सवाल आपको 20 में फिर मिला, आंकड़े दिए गए 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5 का बहुलक आपको बताना है, 20 का प्रश्न है। कौन सी संख्या है जो ज्यादा बार आई हुई है? बढ़िया प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न अगर इस साल भी एक आ जाए तो एक नंबर तो मुफ्त के ही है, ये फ्री वाले नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इनमें गलतियां हुई तो फिर आपकी बेवकूफियां हैं। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान रखो, भाई दिख रहा है 7 ही है, तो ये रिपीट ज्यादा बार हुआ, वो 4 बार रिपीट हुआ है, बाकी कोई संख्या 4 बार रिपीट नहीं हुई है। आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, करेक्ट। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, आपके और सवाल लगाती हूँ, 20 का प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये सवाल थोड़ा इस तरीके से है, अंडर रूट बी बाई ए इंटू अंडर रूट सी बाई बी इंटू अंडर रूट ए बाई सी का मान क्या होगा, की वैल्यू क्या होगी। तो ए बी सी स्क्वायर में दिया है, ए रूट में दिया है ए बी सी, और ये 1/ABC क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। घात अगर इस तरीके से समान होती है तो करनी गुणा हो जाती है, ये बात तो हम जानते हैं, घाते सबकी समान है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी बाई ए इंटू सी बाई बी इंटू ए बाई सी, सबकी घात एक एक है, कुछ ज्यादा नहीं है। ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या आया, रूट एक, और रूट एक की वैल्यू क्या होगी, एक, यानी आ क्या आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम है, होनी ही नहीं चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, बारी हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया है एक वृत्त का व्यास अगर 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। व्यास का मतलब डायमीटर होता है और परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है, 20 का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है 12 पाई सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर, 7 पाई सेंटीमीटर और 2 पाई सेंटीमीटर। बताइए क्या होगा। अगर एक सर्किल आपको दे रखा है, डायमीटर इसका 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, वो कितनी होगी, कैसे लगाएंगे। तो इनको भी लगाने का एक सोल्यूशन है, सवाल तरीका है, हम जानते हैं टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का सूत्र होता है 2πr, क्या होता है 2πr, तो 2πr है, तब इसको 2rπ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई आप चाहे इधर जो कर दो। तो आपको क्या दिया है, आपको इसकी, आपको ये 2 और r की तो वैल्यू दी है कितनी, 12π, तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, आपका 20 का ए ऑप्शन सही है, 20 में ए जिन्होंने बताया उनका सही है। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की समस्याएं संभव है कि सबकी सॉल्व हुई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और है, 20 का ही है ये भी प्रश्न, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 2020 का प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, आपसे पूछ रहा है, एक समकोण बराबर बनेगा कि दो बनेगा कि चार समकोण के आठ समकोण। बड़ा अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, इजी है, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है, और यह 360 डिग्री के बराबर होगा, मतलब चार समकोण बनेंगे। कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री डिवाइड बाई 90, ठीक है, एक समकोण 90 डिग्री का होता है, डिवाइड कर दो, 4 9 36 होता है, चार समकोण बनेंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो ये रहे प्रश्न, भाई साहब बहन जी दीदी भैया जितने भी हैं सबको सादर प्रणाम हमारा। मैं प्रश्न अब लगवा रही हूँ, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अपने एग्जाम की तरफ, जब भी होगा जो भी होगा देखेंगे, लेकिन तैयारी हमारी बेहतरीन होनी चाहिए, और आपकी इसलिए क्योंकि आपकी लास्ट विदाई है, तो बढ़िया प्रदर्शन करिए ताकि बैक का सवाल ही ना हो। मैंने आपको 23 का प्रश्न कराया, मैंने आपको 22 का प्रश्न कराया, मैंने आपको 21 का प्रश्न कराया, मैंने आपको 20 का करा दिया, जैसे मैं आपके बहुविकल्पी करा रही हूँ ऐसे मैं आपको लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी के भी ऐसे ही करवाऊंगी। तो तैयार रहिए, शुरुआत हो चुकी है, तो इसको एंड तक खत्म करूंगी मैं जरूर। मेरा करवाने का दायित्व तो इतना था कि चीजें करवाई जाए, फ्रेश माइंड से करिए, अच्छे से लगाइए, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो पीडीएफ है इसमें तो सोल्यूशन थोड़े बहुत जो सॉल्व है जो भी चीजें, ये टेलीग्राम पर फ्री में है, कोई कॉस्ट नहीं है, मैंने आपको हमेशा फ्री में पढ़ाया है और फ्री में पढ़ाऊंगी, कोई ऐप नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, बच्चे हो स्टूडेंट्स हो पढ़ो, बहुत सारी चीजें हैं, तो क्लासेस के जो पीडीएफ और टेलीग्राम पर फ्री मिलते हैं, अब तक की जितनी हुई सब कुछ वहां पर फ्री आपको दिया जा रहा है, जितना बेहतरीन आप प्रदर्शन कर सकते हैं अपना करिए, हाँ अपनी ओर से अपना पूर्ण आपके समर्थन में है और करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर इवनिंग की क्लास में, समय के साथ आइएगा शाम को 6 बजे, तब तक के लिए फ्रेंड्स अलविदा चाहेंगे आप सभी से, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बाय बाय, टेक केयर।